आपके स्वास्थ्य से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए आयुर्वेद केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर नए वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। आइए देखते हैं गर्भावस्था के पांचवें सप्ताह में गर्भ में होने वाले बदलाव और लक्षणों के बारे में। आप अभी अभी प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में प्रवेश कर चुकी हैं। इन दिनों बेबी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। अभी आपका बेबी सिर्फ 2 मिलीमीटर यानी एक छोटे टैरपोल इतना लंबा होता है। इन दिनों बेबी के महत्वपूर्ण अंग तैयार होते हैं, जैसे हृदय और मस्तिष्क। हृदय में 4 चेंबर और रक्ताभिसरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम चालू होती है। अब हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड पे सुनाई दे सकते हैं। इन दिनों न्यूरल ट्यूब भी बनने लगती है, जो आगे जाके मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है। फॉलिक एसिड मस्तिष्क के पेशियों का विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए फॉलिक एसिड लेना फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीनों में बेहद जरूरी होता है। इसी दौरान शुरुआती अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा मिलकर बेबी की न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करते हैं। आइए जानते हैं गर्भावस्था के पांचवें सप्ताह में शरीर में दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में। मॉर्निंग सिकनेस, सुबह सुबह उल्टी होना या उल्टी जैसा लगते रहना। ब्रेस्ट टेंडरनेस, स्तन में परिवर्तन या हल्का दर्द होना। फटीग या थकान या किसी काम में मन न लगना। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या बार बार पेशाब होना। आइए देखते हैं इन दिनों क्या करें और क्या ना करें। कोशिश करें कि आप पौष्टिक और संतुलित भोजन के सेवन की आदत बनाएं। इससे आपको अपनी ऊर्जा का स्तर उच्च रखने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ यदि आपके भोजन में विभिन्न तरह तरह के पोषक तत्व होंगे तो शिशु को इसका फायदा मिलेगा। नियमित तौर पर छोटे छोटे भोजन लेने और बार बार कुछ न कुछ पीते रहने से आप इनडाइजेशन से बच सकती हैं। खुद को तनाव मुक्त रखें, यह आपके शिशु के लिए अच्छा रहेगा। अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाएं और उनसे परामर्श लें। आप अपना ख्याल रखेंगी तो यह आपके शिशु के लिए अच्छा होगा। यदि आप स्वस्थ आहार और विटामिन ले रही हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सो स्टे ट्यून एंड बी हेल्दी। इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए। धन्यवाद।